इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद तेलंगाना में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान रामोजी राव की सुबह 3:45 पर मृत्यु हुई। कुछ दिन पहले ही वे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामोजी राव के पार्थिव शरीर को रामोजी फिल्म सिटी स्थित उनके आवास पर ले जाने की तैयारी चल रही है, जहां परिवार, मित्र और करीबी लोग दिवंगत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रामोजी राव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, श्री रामोजी राव गारू का निधन अत्यंत दुखद है। एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। रामोजी राव गारू भारत के विकास के प्रति बेहद भावुक थे। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। तेलंगाना भाजपा प्रमुख और पार्टी सांसद जी किशन रेड्डी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, रामोजी राव गारू के निधन से दुखी हूं। तेलुगु मीडिया और पत्रकारिता में उनका उल्लेखनीय योगदान सराहनीय है। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। रामोजी राव रामोजी ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने सबसे अधिक प्रसारित होने वाले तेलुगु भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में से एक इनाडू न्यूज़पेपर का नेतृत्व किया। 2016 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए रामोजी राव को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रामोजी राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू और कई अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के करीबी रहे। ईटीवी नेटवर्क के अलावा उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज को भी लीड किया। उन्होंने लगभग 50 फिल्में और टेली फिल्में बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में कई सौ एकड़ में फैली हुई है, जहाँ अब तक हजारों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।